गाइस, कैसे हो सब। मैं स्पार्की आपके सामने एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक्सी ओरिजिन लेके। यस, एक्सी ओरिजिन लेके हम लोग आज बातचीत करेंगे। एक्सी ओरिजिन का हर एक कार्ड रिलेटेड मैंने जो एक वीडियो बनाया था लाइव स्ट्रीम पे, वो चीज़ किया था तो वो बहुत लंबा हो गया, तो उसको जस्ट शॉर्ट करके एक एक जो कार्ड है उसके लेके हम लोग एक सेगमेंट फिर से बनाएंगे। जैसे V2 के अंदर हम लोगों ने बनाए थे एक्सी कार्ड डिटेल्स, वैसे ही यहाँ पर भी ओरिजिन पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग पहले करना चाहेंगे ऑल जीरो एनर्जी कार्ड एंड ऑल टू एनर्जी कार्ड इन गेम्स, एंड वो कार्ड्स क्या है, कैसे काम आता है, कैसे आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो, वो सारे चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं। तो लेट्स गो हॉप इनटू द वीडियो। चलो गाइस, अभी हम लोग बातचीत करेंगे जीरो एनर्जी कार्ड के बारे में पहले, एंड एक्सी टेक के अंदर जो एक्सी ओरिजिन कार्ड एक्सप्लोरर है वहाँ से हम लोग ये चीज़ को लेके बातचीत करने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक कार्ड के ऊपर। स्क्वायर टीथ जो हमारा कार्ड होने वाला है, इफ इनिशियल ये डील डैमेज बोनस ज़्यादा देगा, कितना देगा, जितना करेंट शील्ड होगा 25 डैमेज। ऐसे ही है, अच्छा कार्ड है, बहुत ही प्यारा जीरो एनर्जी कार्ड के अंदर ये पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा लिफी, वो भी बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये क्या करेगा, 10 डैमेज देगा, रैंडमली डील 2 हिट्स मतलब 20 डैमेज पड़ जाएगा, कंज्यूम अप टू 3 लीव्स, 2 डील 5 डैमेज पर लीव कंज्यूम। जितना ज़्यादा लीव कंज्यूम करेगा उतना वो डैमेज भी ज़्यादा देगा। एंड देखो, रीगेन 5 HP एट द एंड ऑफ योर टर्न, मैक्सिमम स्टैक ऑफ 5। जितने ज़्यादा लीफ आपके ऊपर स्टैक होगा वो आपको पाँच पाँच करके आपको हेल करता जाएगा। रोजा के ऊपर अगर हम चलते हैं, 2 पॉइजन देगा, 2 स्लिप देगा, उसके बाद वो बैनिश हो जाएगा। किसी भी एक टारगेट को पकड़ लो जिसको आपको लगता है वो खतरा है, नेक्स्ट टर्न पे उसको जाकर 2 पॉइजन डाल दो एंड उसको जाकर स्लिप करके आ जाओ। बहुत ही प्यारा है। क्लियर क्या कार्ड है, क्लियर एंड बहुत सारे ऐसे जीरो कार्ड है वो एक सेगमेंट में पड़ेगा। डिस्कार्ड अप टू 2 कार्ड्स देन ड्रॉ दैट मेनी कार्ड। क्या करेगा, आपके हाथ पे 2 जो कार्ड है आपको जो पसंद है वो 2, पसंद नहीं है वो 2 कार्ड आप उसको हटा सकते हो, उसके बदले में 2 रैंडम कार्ड आपके डेक से वो न्यू ड्रॉ करके लेके आएगा। नीमो, दिस इज अ टेल नीमो कार्ड। ये कार्ड क्या करता है, 15 HP हील करेगा, गेन 1 एनर्जी, साथ आपको एक एनर्जी देगा। परफेक्ट टाइम पे अगर आपका नीमो ड्रॉ हुआ एंड आपका कार्ड पे हाथ पे ड्रॉ भी बढ़िया है, देन ऑफकोर्स एक बहुत ही लाजवाब 4 एनर्जी से आप एक एक्सी को उठाने लायक काम कर सकते हो। दूसरा जो नीमो है वो क्या करेगा, गेन 1 एनर्जी इफ दिस एक्सी HP इज फुल। फिर हम लोग चलते हैं टेलीस्कोपिक के ऊपर। टेलीस्कोपिक क्या करता है, पुट 1 एक्वाटिक कार्ड फ्रॉम योर ड्रॉ पाइल इन योर हैंड। ड्रॉ पाइल से एक एक्वाटिक कार्ड आपके हाथ पे वो ड्रॉ करके आ जाएगा। टाइनी फैन इज वेरी गुड कार्ड, एक कार्ड आपको ड्रॉ देगा, उसके साथ गेन 3 डैमेज बूस्ट, वो 3 डैमेज बूस्ट आपको रह जाएगा एंड वो आप हर टर्न पे वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्फिडेंट भी एक बहुत ही प्यारा कार्ड है, कोई भी टारगेट को आप कर सकते हो, अपने एलआई को टारगेट, उसका एक डिबफ आप हटा सकते हो एंड उसका 2 रेज आप दे दोगे। एक रेज टिक पे आपका 2 डैमेज बूस्ट होता रहता है, तो जितना ज़्यादा रेज टिक होगा उतना ज़्यादा डैमेज बूस्ट करेगा। अगर आपका 10 रेज हो जाता है देन आपका एक्सी फ्यूरी मोड पे चला जाता है, देन ही डज उसका जो भी अटैक होता है वो क्रिटी होता है, तो वो एक अलग बात है। बेस्ट वगैरह वो चीज़ के लिए बने हुए हैं, सही तरीके से उसका अगर मिस्टिक रुइन वगैरह इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज़्यादा इससे तबाही वगैरह मचा सकते हो। अभी मैं ट्रिपल बेस्ट खेल रहा हूँ, बहुत प्यारा जा रहा है, अपकमिंग में देखते हैं। वो ट्रिपल एक्वा ऑफ कोर्स नो डाउट ज़्यादा है, मेरे पास है नहीं, वन में वो खेल नहीं पा रहा। अभी चलते हैं कॉटन टेल के ऊपर। हील एनी अलाय 15 HP एंड एक एनर्जी भी वो देखा जाएगा, फिर ये भी बैनिश हो जाएगा, मतलब पूरे गेम में आप इसको बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पपी की अगर बात करें, हील योर टीम इफ इनिशियल रिमूव 1 कर्स कार्ड फ्रॉम योर डेक। बहुत ही प्यारा कार्ड है, कोई भी कर्स कार्ड अगर आप हटा देते हो, बहुत सारे कर्स कार्ड होते हैं लाइक हॉटबर्ड इस्तेमाल करते हो तो कुछ बर्न कर देता है आपके कार्ड को, वो आपको डैमेज भी देता है, उसको हटा सकते हो, फिर गू वाला कार्ड हटा सकते हो। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके डेक पे आ जाते हैं, जो कर्स कार्ड उसको आप हटा सकते हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पपी के बारे में। पपी मेरे एक्सी के पास है, इसको मैं बहुत ही प्यारे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। गुड 1 बेस्ट कार्ड फ्रॉम योर डिस्कार्ड पाइल, मतलब पुट वन बीस्ट कार्ड फ्रॉम योर डिस्कार्ड पाइल, मतलब जो कार्ड आप इस्तेमाल कर सके हो, कर चुके हो, वो कार्ड को आप फिर से बुला सकते हो एंड और ज्यादा डैमेज डेल कर सकते हो उस कार्ड से। ज्यादा डैमेज बूस्ट नहीं होता बट वही है, मतलब अगर आपके पास दूसरे कार्ड नहीं है आप उसको बुलाकर जो हाईएस्ट डैमेज है उसको लेकर आप इस्तेमाल। जेल क्या करते हैं, 1
बीस्ट कार्ड वो आपके ड्रॉ पाइल से आपके हाथ पे ड्रॉ करके देखा जाए। कक्कू जो यहाँ पर है, दिस इज रॉन्ग, कक्कू नॉर्मली एक वन एनर्जी कार्ड है, यहाँ पर उन लोगों से थोड़ा गलती हुआ था, गलती हर किसी से हो सकता है, मैंने अभी जाके कंफर्म करके आया इस वीडियो बनाने से पहले ही, कक्कू तो मैंने अभी खेल के आया, वो वन एनर्जी था ओपोनेंट के पास एंड वही वन एनर्जी कार्ड है। क्या करता है, टारगेट ही नहीं अलाए, रिमूव द स्लीप प्लस 50 डैमेज बूस्ट देगा जब वो नेक्स्ट अटैक करेगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड है। लुकस की अगर बात करें, पुट वन कार्ड फ्रॉम योर ड्रॉप पाइल इनटू योर हैंड, ठीक है, बर्ड कार्ड का जो होगा एक बर्ड कार्ड आपका ड्रॉप पाइल से आपका हाथ पे ड्रॉ करके देगा, लाइक जिल जो बीस्ट कार्ड देता है, जस्ट लाइक टेलीस्कोप जो बेसिकली आपको एक एक्वा कार्ड देता है। फिर पिंक चीक के ऊपर आते हैं, इसके बारे में जैसे हम लोगों ने बात किया था क्लियर कि डिस्कार्ड दो कार्ड एंड ड्रॉ दैट मेनी कार्ड, सेम चीज पिंक चीक भी करता है। बुकवर्म ओवर के ऊपर चलते हैं, पुट वन बग कार्ड फॉर्म योर ड्रॉ पाइल, लाइक जैसे ये बीस्ट का था वैसे ये बग का ही ये बुकवर्म है, फिर उसके बाद वो भी बैनिश हो जाएगा। लार्वा क्या करता है, स्कैरी मतलब ओपोनेंट के दो कार्ड आप देख सकते हो क्या है, अगर कोई एक स्किल कार्ड देखते हो देन यू गेन वन एनर्जी, तो बहुत ही बढ़िया है, जीरो कार्ड से आप ओपन कार्ड भी देख पा रहे हो, अगर स्किल कार्ड देख रहे हो तो उसके साथ आप एक एनर्जी भी मिल रहे हो, लाजवाब कार्ड है। नर्डी के ऊपर चलते हैं, डिस्कार्ड अप टू कार्ड्स जो जैसे बोला पिंक चिक वैसे ही काम करेगा, एंड उसके बाद आते हैं ब्लॉसम, पुट वन प्लान कार्ड, जैसे जील है बीस्ट कार्ड देता है, जैसे लुकस है बर्ड कार्ड देता है, वैसे ही ब्लॉसम जो है वो प्लान कार्ड आपके ड्रॉ पाइल से आपके हाथ पे देगा। हॉलो बहुत ही प्यारा कार्ड है, वो आपका एक्सी का 75 एचपी डाउन करेगा और एक और ट्रंक सामने लेके आएगा जिसको नॉर्मली सब टारगेट करेंगे एंड उसका भी एचपी 75 होगा, एंड नॉर्मली ये ट्रंक आप सोचोगे क्या फ़ायदा है, आप खेलोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप हीलिंग प्लान पे ट्रंक खेल रहे हो तो आप हील करके आपको उसका एचपी भी हील कर सकते हो, बट आपको एक और एक्स्ट्रा 75 का एक ओपोनेंट को टारगेट मिल जाता है, उसको अगर आप शील्ड भी देते हो तो भी आप काम कर सकते हो। दिस इज ए कार्ड जो बेसिकली जो हमारे स्टार्टर एक्सी है, जो हमारे स्टार्टर एक्सी के अंदर जो लीडर है उसके पास एक कार्ड रहता है, नॉर्मली किसी और एक्सी के पास एक कार्ड नहीं रहने वाला। फिर आता है गेको एंड स्कार, स्कार के ऊपर पहले बात करते हैं फिर गेको ऊपर आएंगे, कार वही रेप्टाइल कार्ड ड्रॉ करके देगा फिर बैनिश हो जाएगा, जैसे हर एक कार्ड का है वैसे रेप्टाइल का भी ये चीज़ है। ये क्यों क्या करता है, 50 एचपी लॉस करता है, फिर 25 एचपी वो हील करता है, अब हील एंड क्लींस एक डिवर्फ ऑन अदर एलाइज, किसी और को हील करेगा अपने टीममेट से एंड उसका एक डिवर्फ भी हटा देगा, बट आपका खुद एचपी 50 कम होगा, तो ये मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। आई थिंक इस कार्ड को थोड़ा बफ मिलना चाहिए, लाइक हील एटलीस्ट 30 या ऐसे करके, नहीं तो 25 फील के साथ दो क्लींस करें, मतलब दो ड्रॉप हटाएं, तब जाके वो बढ़िया हो सकता है। तो यहीं पे हमारा जीरो कार्ड खत्म होता है, अभी हम लोग चलते हैं दो एनर्जी कार्ड के ऊपर। दो एनर्जी कार्ड का शुरुआत करते हैं फॉरेस्ट हीरो से, फॉरेस्ट हीरो जो आपका बूबा है जो स्टार्टर एक्स है उसके पास है और किसी एक्सी के पास नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं। उसके बाद आता है लिटिल ब्रांच जो पहले 125 डैमेज 25 शील्ड देता था, वही 130 डैमेज देगा एंड जितने अलाई आपके बचे हुए हैं उतना ज़्यादा रेस्ट ही आप उस एक्सी को मिलेगा, पकड़ लो आपका तीनों के तीनों अलाई बचे देन यू विल गेट 3 रेज टेक ऑन दैट एक्सी एंड पकड़ लो आप खुद बचो फिर भी आप इस्तेमाल करते हो तो आप खुद को भी वो अलाय करके एक रेज टिक आपको वहां से मिल जाएगा। योर टीम गेन्स 3 रेज इफ दिस एक्सी एचपी 50% से कम है, मतलब 50% से अगर कम आपका इस एक्सी का एचपी हो जाता है उसके बाद जाके अगर आप शिवा इस्तेमाल करते हो पूरे टीम को 3 रेज मिलेगा। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि एक एक रेज टिक पे दो दो करके अटैक बूस्ट होता है एंड मैंने आपको बोला भी था इससे पहले कि 10 रेज टिक अगर स्टैक हो जाएगा दैट मींस इट विल गो इनटू द फेरी मूड एंड उसके बाद जो भी अटैक मारेगा उस टर्न के अंदर हर एक चीज रेट पड़ेगा एंड फेरी मूड पे जाने का एक और फायदा है कि आपको एक एनर्जी वहां से फ्री में मिल जाता है। कोई के ऊपर चलते हैं, डील 15 डैमेज पर एक्वाटिक अलाय, अगर आपके टीम में सिर्फ एक ही एक्वा है उसके पास कोई है देन इट विल डू 135 डैमेज, अगर 3 एक्वा है तो 15-15 करके 45 डैमेज इंक्रीज होगा, मतलब 165 का डैमेज देगा। इन सब कार्ड के सामने ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कार्ड है, अगर ट्रिपल एक्वा खेलते हो तो 165 अभी तक से ज्यादा है,
उसके बाद करते हैं ओरंडा, दो डिस्पेल करेगा एंड डिस्पेल क्या करते हैं, रिमूव वन बफ फ्रॉम टारगेट अप टू 5 स्टैक। अगर कोई बफ करके रखते हैं अपने एक्सी को उसका, तो बफ को दो बफ हटा देगा, फिर क्या करेगा उसके ऊपर 120 का डैमेज भी देगा। एडिशन क्या करेगा, अप्लाई टू पॉइजन पर अटैक कार्ड प्लेस दिस टर्न, एट द स्टार्ट ऑफ दिस टर्न द टारगेट लूजेस 3 HP पर स्टैक एंड द पॉइजन जो होता है एंड स्टैक आर रिड्यूस बाय 1 मैक्सिमम 30 स्टैक, मतलब स्टैक रिड्यूस भी होता रहता है पॉइजन का हर एक टर्न के बाद। फिर हम बात करते हैं सीज लक, क्लींस दो डिवर्ब्स गेन टू क्लींसर, क्लींस रिमूव डिवर्ब्स फ्रॉम टारगेट अप टू 5 स्टैक, ठीक है, ये दो क्लींस करेगा। फिर आता है सैंडल, सैंडल पहले जैसे हम मारते थे कोई बग के ऊपर तो 50% ज्यादा डैमेज देता था, अभी कोई भी एक्सी जो फियर है उसके ऊपर अगर हम लोग सैंडल मारते हैं तो 50% ज्यादा डैमेज देगा, तो ये 100 हो जाएगा 150 एंड दो फियर भी वो दे के आएगा, वो तो अलग बात। थॉनी क्या करता था पहले, डिवर्ब टारगेट को 30% डैमेज ज्यादा देता था, अभी ये डिवर्ब टारगेट को 50% ज्यादा डैमेज देता है, तो ये कार्ड भी 150 के आसपास हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा दिस इज वन ऑफ द कार्ड जो 165 तक का वैल्यू दे सकते हैं अगर आप ट्रिपल एक्वा खेलते हो तो, उसको छोड़कर दिस टू आर द कार्ड दो दोस गिव 150 के आसपास वैल्यू, ठीक है। फिर आता है बीच, 90 डैमेज है बस 75 का शील्ड है, दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान कार्ड आउट देयर दो एनर्जी के अंदर, क्योंकि आपको शील्ड भी मिलेगा 75 का, आप अटैक भी कर रहे हो 90 का एंड अगर ओवरऑल इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका भी 165 है एंड ये सिंगल है, इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन के लिए कुछ और नहीं चाहिए, तो सबसे पावरफुल दो एनर्जी के अंदर वैल्यू के हिसाब से दिखाए लाइक अटैक एंड शील्ड के हिसाब से 165 सिर्फ यही देता है एंड इसको करने के लिए आपको 3 एक्वा चाहिए तब जाके 165 देता है। फिर चबी के ऊपर हम लोग आते हैं, अटैक ऑल एनिमीज 50 करके डैमेज देगा हर एक एनिमी को, 3 एनिमी है 3 एनिमी को देगा, अगर ज्यादा टारगेट है लाइक ट्रंक वगैरह यह सब कुछ है, अगर समनिंग समन्स है तो उनको भी जाके अटैक देगा तब जाकर ये अटैक काम के है। सेम रंचू भी है, सबको अटैक करेगा बट सबका वीक करके भी आएगा, दो टर्न के लिए उसका जो नेक्स्ट अटैक रहने वाला है वो अटैक वीक होने वाला है। फिर आता है गीला, जितना भी पॉइजन टैग किसी एक्सी के ऊपर रहता है उसके ऊपर वो पर पॉइजन टैग 2 डैमेज ज्यादा देता है, प्लस ये हर एक एक्सी को जाकर अटैक करेगा जब आप मारोगे 40 अटैक टू ऑल द एक्सीज, ठीक है। 1v1 में थोड़ा दिक्कत है ये चबी एंड ये गीला बट स्टार्टिंग ऑफ द राउंड पे बहुत प्यारा खा रहे हैं। फिर आता है फेदर पैन भी सेम है, रैंडमली डील 4 हिट्स योर टीम गेंस 1 फेदर पर एनिमी हिट, स्टार्ट डील करेगा ठीक है, 35 करके डैमेज हो देगा, मतलब 60 मतलब 170 मतलब 140 का डैमेज हो देगा, ठीक है। वो अगर एक टारगेट को देता है तो आपको फेदर नहीं मिलेगा, मल्टीपल टारगेट को देता है तो फेदर मिलेगा, अगर जितना मल्टीपल टारगेट को ज्यादा देगा उतना ज्यादा फेदर आपके हाथ पे हो। फेदर से क्या होता है, व्हेन एक्सी an attack consume all the feather stack to deal 2 damage per stack and heal 2 HP per stack, stack 10 होता है, जैसे leaf का था वो stack पे heal देता था, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें rage का था वो damage 2 देता था, ये क्या करता है 2 damage भी देता है and 2 heal भी देता है, तो feather is मच बेटर ना रेज के हिसाब, तो बहुत ही प्यारा है, अगर ज्यादा टारगेट को मारेगा तो ज्यादा फेदर आपके हाथ पे आ जाए। फिर बात करते हैं पर्च के ऊपर, डील 4 हिट्स फायर अटैक्स द लोएस्ट एच, जो एक्सी के सबसे कम एचपी होगा उसको जाकर ये अटैक करेगा एंड 4 अटैक करेगा, मतलब 120 का डैमेज डेल्ट करके आए। ईयर ब्रीदिंग जो एक बग का कान का कार्ड है, रैंडमली डील 4 हिट्स शफल 1 गू पर एनिमी हिट इन योर ओपोनेंट स्काइप पर, अगर एक ही एक्सी को 4 अटैक करता है तो कोई भी गू डालेगा नहीं, अगर 2 एक्सी को करता है तो 1 3 उसके पास कार्ड है, ये क्या करता है कोई भी कुछ नहीं करता जब उसको आप इस्तेमाल करोगे, बट नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई भी अटैक खेलोगे उस एक्सी से 33 डैमेज बूस्ट उसको मिलेगा अगर आपका एक्सी का एचपी 66 से ज्यादा 66% से ज्यादा। स्लाइस आग का कार्ड जो है प्लान का वो होता है हीलिंग बूस्ट देगा प्लस 5 हील योर टीम एंड अप्लाई 5 हीलिंग बूस्ट, 50 करके पूरे टीम को हील करेगा, फिर अप्लाई हीलिंग बूस्ट भी देगा 5 करके। हीलिंग बूस्ट क्या है, इंक्रीज हीलिंग कार्ड इफेक्ट टू द यूनिट बाय 1 एचपी पर स्टैक, तो अगर 5 हीलिंग है नेक्स्ट टाइम से जो भी हील करोगे तो उसका हीलिंग भी और ज्यादा सही तरीके से काम करेगा। रिस्की ट्रंक हील ऑल एलाइज 50 करके हील करेगा, रिस्की ट्रंक वो स्टार्टर एक्सी के पास रहता है, ऐसे किसी और एक्सी के पास ये नहीं रहने वाला। साकुरा बहुत ही अलग लेवल का कार्ड है, टारगेट इन एलाइज व्हेनेवर यू प्ले कार्ड दिस बैटल हील दिस एक्सी 10 बच, स्टार्टिंग ऑफ द टर्न पे आपका आ गया, अब बैक लाइनर को या मिड लाइनर को दे दिए एंड गेम में जितनी बार आप कार्ड खेलोगे
पर कार्ड प्ले पे आपका 10-10 करके एचपी हील होता जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है दो एनर्जी के अंदर। सेम चीज यहाँ पर बम्पी भी करते हैं। बम्पी क्या करता है, बम्पी जैसे साकुरा पर टर्न पे 10 एचपी हील देता है, बम्पी क्या करता है, व्हेन एवर यू प्ले ए कार्ड दिस बैटल दिस एक्सी गेन 10 शील्ड। बम्पी उसको 10-10 करके शील्ड देता रहता है, ये हील देता रहता है, ये शील्ड देता रहता है। Just that's the difference. फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट दो एनर्जी कार्ड, दैट इज द स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक। स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक इससे पहले इकलौता कार्ड था V2 के अंदर टू एनर्जी का, अभी V3 के अंदर उसका बहुत सारा पार्टनर आ गया, इसको लेके हम लोग लास्ट में बातचीत कर रहे हैं। क्या करता है स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, जब इस्तेमाल करोगे एड टू स्ट्रॉबेरी टू योर हैंड। स्ट्रॉबेरी क्या है, 60 करके आपको हील देगा, एंड अगर आप इसको यूज नहीं करते तो ये रिटेन होता रहेगा, आप बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। टारगेट एनी अलाय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो कार्ड बैनिश हो जाएगा। तो यहीं पर एक्सी ओरिजिन का जो दो एनर्जी कार्ड है वो ख़त्म होता है, एंड जो जीरो एनर्जी कार्ड ख़त्म होता है, यहीं पे हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बट जो वन एनर्जी कार्ड है वो हम लोग बेसिकली एक सेगमेंट बनाएंगे जहाँ पर लाइक पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वन एनर्जी कार्ड होने वाला है। तो लाइक बीस्ट, एक्वा, बर्ड, इन तीनों के एक ग्रुप पे बना के एक वीडियो, एंड रिमेनिंग जो तीन है उनको एक और ग्रुप पे बना के एक और वीडियो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद रुइंस, चार्म्स, इन सारे के चीज़ें को लेके एक एक करके वीडियो हम लोग बनाते जाएंगे। तो गाइस यहीं पे मैं मेरा एक्सी V3 मतलब जो ओरिजिन है वहाँ पर जो जीरो कार्ड्स एंड जो दो एनर्जी कार्ड है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत किया, यहीं पे वो वीडियो हम लोग ख़त्म करेंगे। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी तक अगर बेल आइकन पे दबाया नहीं है ज़रूर बेल आइकन पे दबा देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना गाइस, इससे एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, हमारा वीडियो और ऊपर जाएगा। आपको पता है कि लाइक बहुत पहले चैनल ग्रो हुआ था उसके बाद हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे कास्टिंग वगैरह करने के चक्कर में, बट अभी रेगुलर ब्लॉकचेन रिलेटेड वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, एंड एक्सी रिलेटेड वीडियोस भी और अपलोड करूँगा, और भी दूसरे गेम्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ नया गेम रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एक बहुत ही प्यारा FPS गेम का वीडियो आने वाला है इस वीडियो के बाद, ज़रूर हाइप्ड अप रहना, वो गेम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। बट गाइस यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।